asalaamu alaikum students welcome to another lecture in fsc part 1 english this lecture is based on elements of fiction a short story novel play and film are common forms of fiction in english literature and in this lecture we are going to study the elements of fiction or the building blocks of fiction okay so we will study how a story, a novel, a play, or a film is set up based on these building blocks or elements. But before we start, let's see the learning outcomes of today's lecture. By the end of this lecture, you should be able to understand various elements of fiction and analyze any piece of fiction like a story, novel, or play. इन टर्म्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स जी स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के एंड तक आप न सिर्फ फिक्शन के डिफरेंट एलिमेंट्स को अंडरस्टेंड कर पाएंगे बल्कि किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो आप किसी भी फिक्शन की फॉर्म को इन स्टोरी को नॉवल को या प्ले को इसके एलिमेंट्स के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकेंगे तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के लिए जो पीसेस ऑफ फिक्शन लेंगे वो एक हम स्टोरी लेंगे जो कि आपकी बुक से होगी फर्स्ट ईयर uh, जो इंग्लिश है उससे होगी विच इज फ्रॉम मदर विद लव ये स्टोरी हम लेंगे इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं और प्ले जो है वो आपका लास्ट uh, यूनिट है आपकी बुक का विच इज प्रोग्रेस तो हम प्ले uh, प्रोग्रेस और जो स्टोरी है फ्राम मदर विद लव इनकी एग्जाम्पल्स के साथ हम आ, इनके एलिमेंट्स को फिक्शन एलिमेंट्स को एग्जैंप्लीफाई करेंगे सो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन ओके तो कोई भी स्टोरी हो नॉवल हो या प्ले हो यानी फिक्शन की कोई भी फॉर्म हो तो उसके बेसिक एलिमेंट्स ये होंगे सेटिंग कैरेक्टर्स प्लॉट कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू थीम सिंबलिज्म मूड और टोन सो दीज आर एट बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एनी स्टोरी अ नॉवेल और अ प्ले सो अब हम इन एलिमेंट्स को वन बाय वन डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे लेट स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट एलिमेंट विच इज सेटिंग तो सेटिंग जो है बेसिकली वो किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले के हमें टाइम और प्लेस के बारे में बताती है कि कोई भी जो फिक्शन है वो किस टाइम में हो रहा है और किस जगह पे हो रहा है ठीक है सो द सेटिंग इज अबाउट वेन एंड वेयर आ स्टोरी नॉवेल और अ प्ले है टाइम इन प्लेस ड्यूरिंग विच द स्टोरी और नॉवेल और प्ले टेक्स प्लेस तो अब सेटिंग में इसके अलावा और भी कई चीजें आ जाती हैं तो जाहिर है जब किसी भी स्टोरी नॉवेल या प्ले का जो एक सीन क्रिएट होता है तो उस सीन के अंदर कई चीजें और भी आ जाती हैं जिस तरह के वहां पे सीन के अंदर आपको इसमें फर्नीचर नजर आ सकता है सीनरी नजर आएगी कस्टम्स यानी जहाँ जिस कल्चर के बारे में वो स्टोरी नॉवल या प्ले होगा तो वहां उनकी जो ट्रेडिशंस होंगी रवायात होंगी कस्टम्स होंगी तो वो आपको नजर आ सकती हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगी वहाँ पे क्लोथिंग होगी वेदर होगा टाइम ऑफ डे हो सकता है या टाइम ऑफ ईयर हो सकता है जिस तरह के फॉर uh, एग्जांपल अगर आप uh, प्ले को देखें अपने प्रोग्रेस जो प्ले है आपकी बुक में तो उसकी सेटिंग क्या है द प्ले प्रोग्रेस इज सेट ऑन अ स्प्रिंग डे इन नाइनटीन नाइनटीन इन द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरी तो यहाँ पे देखें हमें टाइम का भी पता चल गया कि ये जो प्ले है ये कब लिखा गया था और ये कब की बात हो रही है नाइनटीन हंड्रेड एंड नाइनटीन की बात हो रही है और एक स्प्रिंग डे है और और जो इसकी जो प्लेस है वो कहाँ पे है द स्टडी रूम ऑफ प्रोफेसर हेनरी कोरी अब हम देखेंगे कि जो सेटिंग होती है इसके कई फंक्शंस होते हैं तो सेटिंग कई चीजों को जो है वो डिस्क्राइब कर रही होती है तो सेटिंग जो है उसका क्या रोल है आ, किसी भी फिक्शन के अंदर स्टोरी के अंदर नॉवल के अंदर प्ले के अंदर तो सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है तो सेटिंग के डिफरेंट फंक्शन को अब हम डिस्कस कर लेते हैं तो सेटिंग जो है किसी भी फिक्शन के अंदर मूड या एटमॉस्फेयर को क्रिएट करती है तो जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कोई स्टोरी है नावल है प्ले है या इवन कोई मूवी है तो अगर वो आ, सपोज अगर वो रोमांटिक है तो उस हिसाब से आ, उसकी जो है वो सेटिंग भी इस तरह चूज की जाएगी कि वो उसके रोमांटिक होने को डिस्क्राइब करेगी इसी तरह अगर कोई एक हॉरर मूवी है या हॉरर स्टोरी है या प्ले है तो उसके अंदर सेटिंग इस तरह की होगी एक टेरिफाइंग सेटिंग होगी यानी रात का टाइम होगा ओके okay, डार्कनेस होगी या जंगल होगा ओके okay? तो सेटिंग जो है बेसिकली जो है फिक्शन के अकॉर्डिंग उसके मूड के अकॉर्डिंग एटमोस्फेयर के अकॉर्डिंग जो है वो चूज की जाती है तो सेटिंग बेसिकली क्रिएट्स अ मूड और एटमोसफेयर इन एनी स्टोरी नॉवल प्ले और इवन अ मूवी नेक्स्ट जो फंक्शन है सेटिंग का वो है टू शो अ रीडर अ डिफरेंट वे ऑफ लाइफ ओके तो सेटिंग क्या करती है वो रीडर को लाइफ का एक डिफरेंट वे बताती है यानी लाइफ को वो एक थोड़ी टाइम के लिए जब वो फिक्शन को रीड कर रहा होता है कोई भी पर्सन तो वो थोड़ी देर के लिए उसको लाइफ का एक डिफरेंट एंगल मिलता है लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से देखने का मौका मिलता है तो बेसिकली ये सेटिंग होती है जो कि रीडर को ए, एक लाइफ का एक डिफरेंट वे या डिफरेंट एंगल प्रोवाइड करती है

टू बी द सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल तो बाज सेटिंग ही जो है उसके अंदर से ही कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल जो है वो क्रिएट हो रहा होता है कॉन्फ्लिक्ट को हम थोड़ी देर में अब फर्दर डिटेल से डिस्कस करेंगे लेकिन बाजत यह होता है कि कॉन्फ्लिक्ट है वो सेटिंग के अंदर से ही अराइज होता है फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ पर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हो या नेचुरल एलिमेंट्स हों लाइक एक्स्ट्रीम वेदर हो ठीक like है एक्स्ट्रीम वेदर कंडीशन हैं या कोई भी लाइक अर्थ क्वेक्स हैं या कोई भी नेचुरल uh, फिनमिना जो है वो हो रहे हैं तो उनके अंदर से ही जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा जो कि फिक्शन में थ्रू आउट जो है वो चलेगा इसलिए जो सेटिंग है बाजत ये कॉन्फ्लिक्ट को स्ट्रगल को जो है वो जो है वो, वो जन्म देती है कि वहीं से कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल जो वो स्टार्ट होता है इन द लास्ट टू सिंबलाइज एन आइडिया तो सेटिंग जो है वो बात किसी भी आइडिया को सिंबलाइज कर रही होती है सिंबल के तौर पे यूज़ होती है ये सेटिंग के अंदर बाज़ात कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी कि जो जिसका लिटरली मीनिंग तो और होगा लेकिन उसका जो कंटेक्चुअल मीनिंग है यानी जिस उस मकसद के लिए वो वहाँ पर लाई गई है उसका वो उसका मीनिंग जो है वो अपने लिटरल मीनिंग से काफ़ी डिफरेंट भी हो सकता है ठीक है जिस तरह के अगर हम बात करें स्टोरी की फ्रॉम मदर विद लव उसमें कई चीजें सिंबल के तौर पे यूज हुई हैं जो कि सेटिंग का हिस्सा है ठीक है जिस तरह की एक वहां पे आपको एक ब्लू चेयर मिलेगी तो ब्लू चेयर बेसिकली क्या है वो बजाय तो वो एक चेयर है लेकिन वो एक सिंबलाइज कर रही है किस चीज को वो सिंबलाइज कर रही है एक लीडिंग रोल को और रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसी तरह अगर हम अपना जो प्ले है उसकी बात करें विच इज़ प्रोग्रेस तो उसके अंदर जो मिसेज मिल्डन हैं जो कि एक कैरेक्टर है तो वो बेसिकली एक सिंबल है किसकी पीस की वो पीस को सिंबलाइज कर रही है अमन को सिंबलाइज कर रही है okay? तो इस तरह सेटिंग के अंदर जो चीजें होती हैं वो क्या हो सकती है वो सिंबलाइज कर रही होती हैं डिफरेंट आइडियाज को नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड एलिमेंट ऑफ फिक्शन विच इज कैरेक्टर्स ओके तो कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें क्या बताते हैं कि हु इज इन्वॉल्व इन द स्टोरी नॉवेल और प्ले तो चाहे वो स्टोरी है नॉवल है या प्ले है आप उसमें डिफरेंट लोगों को काम करता हुआ देखते हैं वहां पे आपको डिफरेंट एनिमल्स भी नजर आ सकते हैं ठीक है वहां पे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में भी आप पढ़ते हैं ठीक है या वहां पे कोई नॉन लिविंग चीजें भी इन्वॉल्व हो सकती हैं ओके तो जितनी भी चीजें किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर इन्वॉल्व होती हैं वो कैरेक्टर्स कहलाती हैं तो हम कैरेक्टर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं द पर्सन एनिमल्स एंड थिंग्स पार्टिसिपेटिंग इन अ स्टोरी नॉवल और प्ले तो किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर जितने भी लोग होते हैं एनिमल्स होते हैं या चीजें हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं तो वो क्या होते हैं कैरेक्टर्स होते हैं तो अब हम कैरेक्टर्स की डिफरेंट टाइप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे तो जैसे कि आप देखते हैं कि किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले या इवन अ मूवी जो है उसके अंदर आपको एक कैरेक्टर जो है वो ऐसा मिलेगा जो कि मेन कैरेक्टर होगा ओके okay? यानी वो एक पर्सन होगा जो कि मेन कैरेक्टर होगा जो कि उस फिक्शन के अंदर वो हीरो या वो हीरोइन हो सकती है तो उस मेन कैरेक्टर को हम क्या कहते हैं हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं ओके द प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी नॉवल और प्ले सो दिस पर्सन इज यूजली गुड बट इट इज नॉट ऑलवेज़ गुड तो मोस्टली क्या होता है कि जो प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर होता है ये गुड होता है हमेशा अच्छा होता है लेकिन जरूरी नहीं कि ये हमेशा अच्छा हो लेकिन क्या होता है कि ये मेन कैरेक्टर होता है ये वो कैरेक्टर है कि जो पूरी स्टोरी नॉवल प्ले या मूवी के अंदर एक मेन पार्ट प्ले कर रहा होता है ओके okay? तो इसी तरह फिर उस मेन कैरेक्टर के अगेंस्ट भी आपको कुछ करेक्टर्स नजर आते हैं जो कि उसके अपोजिट काम करते हैं जिसको अक्सर आप क्या कहते हैं किसी भी स्टोरी uh, का मूवी का या प्ले का आप उसको विलन कहते हैं ओके okay? तो हमेशा प्रोटैगनिस्ट के अगेंस्ट जो है अपोज करने वाला भी कैरेक्टर होता है जिसको हम क्या कहते हैं एंटेगनिस्ट कहते हैं एंटेगनिस्ट ओके द एंटैगनिस्ट इज द फोर्स इन अपोजिशन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट एंटेगनिस्ट क्या होता है हमेशा ये प्रोटेगनिस्ट uh, या मेन कैरेक्टर के अपोजिट काम करता है उसको अपोज करता है सो दिस पर्सन में नॉट बी बैड और इवल तो जरूरी नहीं है कि ये हमेशा बेड और इवल हो और लेकिन ये क्या करता है ही और शी अपोजेज द प्रोटैगनिस्ट इन अ सिग्निफिकेंट वे लेकिन ये एक क्या करता है uh, एक सिग्निफिकेंट वे के अंदर एक अच्छा खासा जो है वो प्रोटेगनिस्ट को या मेन कैरेक्टर को क्या करता है अपोज करता है उसकी मुखालफत करता है ओके तो किसी भी पीस ऑफ फिक्शन के अंदर आपको एक मेन कैरेक्टर प्रोटेगनिस्ट मिलेगा और उसके अपोजिट काम करने वाले कैरेक्टर ठीक है आपको वहां पे वो एक कैरेक्टर भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं आपको इंटेगनिस्ट भी मिलेंगे तो प्रोटेगनिस्ट और इंटेगनिस्ट बेसिकली ये मेन कैरेक्टर्स आपको हर फिक्शन के अंदर मिलेंगे इसके अलावा कैरेक्टर्स की अब डिफरेंट टाइप्स होती हैं जिस तरह के हैं सिंपल कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर फ्लैट कैरेक्टर राउंड कैरेक्टर स्टैटिक और इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टर और फ्लेक्सिबल कैरेक्टर। ओके तो ये अब डिफरेंट टाइप्स हैं कैरेक्टर्स की ओके okay, तो अब जो सिंपल कैरेक्टर होता है इट इज अ कैरेक्टर विच इज ईजी टू अंडरस्टैंड जिसको सबिना बड़ा आसान होता है यानी आप उसको इजली उसके बारे में जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो कैसे वहाँ पे बिहेव करेगा कैसे बात करेगा ये किस एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा काफी वो अंडरस्टैंडेबल और इजी सा वो करेक्टर होगा इसके बाद एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर तो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर ऐसा करेक्टर होता है विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ओके जिसको आप एक्सपेक्ट uh, नहीं कर सकते कि वो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा यानी वो वो डिफिकल्ट टू एक्सपेक्ट होता है डिफिकल्ट टू असेस होता है तो ऐसे करेक्टर को हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर उसके बाद फ्लैट करेक्टर सो इट इज अरेक्टर विच इज विच बेसिकली हैज वन और टू प्रोमिनेंट ट्रेट्स यानी वो क्या होगा ऐसा करेक्टर होगा जो अपने किसी एक या दो नुमाया जो उसके अंदर खसूसियात होंगी जिसकी वजह से वो पहचाना जाएगा यानी उसके अंदर या तो कोई एक ट्रेट हो सकती है कोई खसूसियत हो सकती है या दो हो सकती है एक या दो फॉर एग्जांपल कोई करेक्टर जो है वो किसी भी स्टोरी नावल या प्ले के अंदर वो एक तरफ एक जहानत के तौर पे वो जाना जाता हो और साथ ही साथ वो क्या हो जहीन जा, होने के साथ साथ वो ज्यादा क्लेवर भी हो तो अभी उसकी दो ट्रेड्स हो जाएंगी तो अगर कोई जो करेक्टर है वो एक या दो ट्रेड्स के वजह से पहचाना जाता है किसी भी फिक्शन के अंदर तो वो फ्लैट करेक्टर होगा इसका अपोजिट है राउंड कैरेक्टर अब राउंड कैरेक्टर ऐसा होगा जिसमें मल्टीपल ट्रेड्स होंगी यानी जो दो से ज्यादा खसूसियात खुछ, की वजह से पहचाना जाएगा यानी वो एक तरफ जहीन भी है यानी इंटेलिजेंट है दूसरी तरफ वो क्लेवर है स्मार्ट है और इसके साथ साथ वो उसमें और भी कुछ खसूसियात हैं तो वो राउंड कैरेक्टर होगा फिर हम आते हैं फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टर्स पे तो फर्स्ट में है इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टर जिसको हम स्टैटिक कैरेक्टर भी कहते हैं तो ये ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि पूरी स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर सेम रहता है ये चेंज नहीं होता ओके सो दिस कैरेक्टर इज अनचेंज्ड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द स्टोरी और प्ले ओके जैसा ये स्टोरी के स्टार्ट में होता है तो ऐसा ही ये थ्रू आउट उस स्टोरी प्ले या नावल के अंदर रहता है वो चेंज नहीं होता तो ऐसे करेक्टर को हम कहते हैं इनफ्लेक्सीबल कैरेक्टर तो जिस तरह के अगर आप आ, प्ले की बात करें प्रोग्रेस की तो वहां पे जो करेक्टर है प्रोफेसर हेनरी कोरी तो आपको पता है कि वो थ्रू आउट द स्टोरी वो एक जैसा रहता है वो एक उस क्रूअल नेचर का जो एक करेक्टर है वो थ्रू आउट सेम रहता है वो चेंज नहीं होता फिर है फ्लेक्सिबल और डायनेमिक करेक्टर तो फ्लेक्सिबल या डायनेमिक कैरेक्टर ऐसा कैरेक्टर है जो कि ऑपोजिट है इनफ्लेक्सीबल कैरेक्टर का तो इट गोज थ्रू सम सॉर्ट ऑफ चेंज और शोज कैरेक्टर डेवलपमेंट ये ऐसा करेक्टर है जो कि स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर चेंज हो सकता है और इसमें करेक्टर डेवलपमेंट आ सकती है इसका जो करेक्टर है वो चेंज हो सकता है ओके तो ये फ्लेक्सिबल होगा ये चेंज हो सकता है नॉर्वली जो प्रोटेगनिस्ट होता है वो एक फ्लेक्सिबल कैरेक्टर होता है और जिस तरह हम प्ले प्रोग्रेस की बात करें तो वहां पे जो मिसेस मिल्डन है वो एक प्रोटेगनिस्ट भी हैं और वो बेसिकली एक फ्लेक्सिबल करेक्टर है ओके okay? तो अक्सर फिर आपको बाज दिए भी होता है कि आपको कोई भी पीस ऑफ फिक्शन दे दिया जाता है स्टोरी नॉवल या प्ले और उसके अंदर से आपको किसी भी कैरेक्टर का स्केच करना हो कैरेक्टर का स्केच लिखना हो उसका करेक्टर डिस्क्राइब करना हो तो उसके लिए आपके माइंड में क्या क्या चीजें होनी चाहिए ओके okay? किसी भी कैरेक्टर को स्केच करने के लिए आपको माइंड में ये थ्री मेन पॉइंट्स में वो रखने चाहिए कि हाउ कैरेक्टर इज प्रेजेंटेड बाय द राइटर ओके यानी एक स्टोरी प्ले या नोवेल के अंदर एक कैरेक्टर जो है उस उसको कैसे प्रेजेंट किया गया है उसकी अपीरेंस कैसे है ठीक है उसका गेटअप कैसे है तो वो आपने ये देखना होता है फिर वट अ कैरेक्टर डज ठीक है दस, और उस पर फिर उसके काम को देखना है कि वो वो क्या काम कर रहा है ठीक है वो स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर उसका मेन जो करेक्टर है वो क्या है वो क्या काम करता है एंड द नेक्स्ट थिंग इज वट अ कैरेक्टर सेज ओके वो बात किस तरह करता है वो क्या कहता है ठीक है तो ये सारी चीजें जो है वो कैरेक्टर स्केच के अंदर आपको माइंड में रखनी चाहिए और आप इजीली जो है वो किसी भी स्टोरी uh, नॉवल या प्ले के अंदर से किसी कैरेक्टर के बारे में भी इजीली जो है वो लिख सकते हैं नाउ वी मूव ऑन टू दर्ड एलिमेंट ऑफ फिक्शन विच इज प्लॉट तो प्लॉट जो है वो हमें क्या बताता है वट हैपन्स इन द स्टोरी नॉवल और प्ले अब जितने भी वाक्यात हो रहे होते हैं ठीक है किसी एक स्टोरी में नॉवल या प्ले में तो जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं तो उन, उनको हम क्या कहते हैं प्लॉट कहते हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एलिमेंट है इसके बगैर जो है वो कोई भी स्टोरी नॉवल ड्रामा और इवन अ मूवी तो ये पॉसिबल नहीं होते तो फिक्शन इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ प्लॉट तो प्लॉट बेसिकली जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो कि स्टार्ट से लेके एंड तक चलता है ओके सो प्लॉट इज द ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन अ स्टोरी नॉवल और प्ले ओके okay? तो किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर जितने भी वाक्यात होंगे तो उनको एक जब सीक्वेंस में आप देखेंगे वन आफ्टर एनदर एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में अगर आप देखेंगे तो वो क्या कहलाएगा वो प्लॉट कहलाएगा अब प्लॉट जो है आगे इसके भी कई पार्ट्स हो सकते हैं तो देर आर फाइव पार्टस ऑफ अ प्लॉट कि मैंने आपको बताया था कि प्लॉट जो है वो बिल्कुल किसी भी स्टोरी या नॉवल या प्ले के बिगिनिंग से स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो कहलाता है एक्सपोजिशन या इसको हम इंट्रोडक्शन भी कहते हैं ओके इट इज द इंट्रोडक्शन और हेयर कैरेक्टर्स सेटिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट आर इंट्रोड्यूस्ड ओके तो प्लॉट का जो एक्सपोजिशन है इंट्रोडक्शन है स्टार्ट है तो उसके अंदर सेटिंग आ सकती है उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है तो नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लॉट इज राइजिंग एक्शन ओके सो राइजिंग एक्शन इज बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द इवेंट्स दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ओके तो जब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट की जब इंटेंसिटी आता आहिस्ता बढ़ने लगती है तो उसको हम राइजिंग एक्शन कहते हैं जिस तरह के अगर हम प्रोग्रेस प्ले की बात करें तो उसमें जब मिसेस मेल्डन को प्रोफेसर हैं कोरी की जो डिस्ट्रक्टिव जो इन्वेंशन है उसका पता चलता है तो वहां से बेसिकली जो है वो एक्शन जो है वो राइज होना स्टार्ट होता है ओके तो राइजिंग एक्शन प्लॉट का वो पार्ट होता है जहां पे जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रॉब्लम है वो इंट्रोड्यूस होता है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो इंटेंसिटी है शिद जो है वो बढ़ने लगती है और फिर हम आ जाते हैं क्लाइमेक्स पे सो इट इज द हाइस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और सस्पेंस ऑफ अ स्टोरी ओके और ये वो पॉइंट होता है वो पार्ट है प्लॉट का जहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है प्रॉब्लम है उसकी इंटेंसिटी जो है वो हाईएस्ट हो जाती है ठीक है तो क्लाइमेक्स के अंदर क्या होता है कि किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रॉब्लम होता है उसकी इंटेंसिटी जब मैक्सिमम लेवल पे चली जाती है हाईएस्ट हो जाती है तो उस पॉइंट को हम क्लाइमेक्स कहते हैं ओके okay? तो ये यूजुअली किसी भी फिक्शन uh, का सेंट्रल पार्ट होता है और ज्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल पार्ट जब होता है उसके बाद आता है फॉलिंग एक्शन तो क्लाइमेक्स में जब uh, जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक मैक्सिमम इंटेंसिटी को पहुंचता है तो उसके बाद फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंटेंसिटी क्या होने लगती है ड्रॉप होने लगती है ओके okay? जब कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी uh, है जो ही ड्रॉप होने शुरू होती है डिक्रीज होने शुरू होती है तो इसको हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं तो फॉलिंग एक्शन में क्या होता है टेंशन इजेस टेंशन आसान होने लगती है कम होने लगती है इवेंट्स शो द रिजल्ट्स ऑफ हाउ द मेन कैरेक्टर बिगेन्स टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट और आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्फ्लिक्ट है वो प्रॉब्लम है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाता है सॉल्व होने की तरफ जाता है तो राइजिंग एक्शन में जो प्लॉट का जो कॉन्फ्लिक्ट है कॉन्फ्लिक्ट की जो इंटेंसिटी है वो ऐसा ऐसा क्या होने लगती है कम होने लगती है और फिर इसका लास्ट पार्ट है रेजोल्यूशन या जिसको हम डेनोमोन भी कहते हैं डेनोमोन डेनोमोन बेसिकली एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है आउटपुट या सोल्यूशन ओके okay? तो रेजोल्यूशन या डेनोमोन दोनों के एक ही मतलब है यहाँ पे तो रेजोल्यूशन या डेनोम में क्या होता है कि अब जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी इंटेंसिटी कम होते होते बिल्कुल खत्म हो जाती है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिमूव हो जाता है रिजॉल्व हो जाता है सो हेयर एवरी थिंग लेवल अप एंड द कॉन्फ्लिक्ट इज सॉल्व ओके तो प्लाट के लास्ट पार्ट में जब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाता है तो आपको पता है कि वी कम टू द एंड ऑफ द स्टोरी और नॉवल और प्ले तो ठीक है तो यहां से आपको पता चल गया कि जो प्लॉट होता है वो बेसिकली किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले के बिगिनिंग से स्टार्ट होता है और एंड तक चलता है ओके okay? तो प्लॉट बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लॉट के बगैर जो है वो कोई भी फिक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है तो अक्सर ये होता है कि आपने देखोगे बुक्स में कि हम किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले की जगह हम सिर्फ प्लॉट का वर्ड भी यूज कर देते हैं बिकॉज प्लॉट इज बेसिकली अबाउट द होल स्टोरी और नॉवल और प्ले तो उसके बिगेनिंग से लेके ये एंड तक चलता है ओके okay? तो ये इसके डिफरेंट पार्ट्स uh, थे प्लॉट के एक्सपोजिशन जो कि स्टार्ट है फिर राइजिंग एक्शन जब कॉन्फ्फिक्ट की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होती है और फिर क्लाइमेक्स है जब उसकी इंटेंसिटी हाइस्ट हो जाती है और फिर उसके बाद जब उसकी इंटेंसिटी कम होना शुरू होती है तो वो फॉलिंग एक्शन है और फिर जब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाता है तो उसका हम रेजोल्यूशन या Denouement Kete. Now let's talk about the plot of the play Progress in terms of these elements of a plot. The exposition of the plot of the play Progress starts with the setting of the play in the study room of Professor Henry curry where he feels happy because of his invention which can destroy a vast city within the course of seconds. And the rising action of the play starts when Mrs. Meldon comes to know about the invention of Professor Henry. She tries to remind him that this invention would lead to the death of hundreds of young men like her son Eddie, but he ignores her words. And the climax of the play happens when Mrs. Meldon tries to convince Professor Henry to destroy his formula. But he doesn't get convinced. And in the following action of the plot, there is a long debate between Mrs. Meldon and Professor Henry. This leads to the resolution in the play in which Mrs. Meldon couldn't control herself and killed Professor Henry by stabbing him with a knife. So, this is the whole plot of the play, Progress. तो अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में समझें तो अक्सर प्लॉट की हम ये डायग्राम बनाते हैं और इसके जो फाइव जो पार्ट्स हैं जो इसके सब एलिमेंट्स हैं उनको हम यहाँ पे डायग्राम से भी जो है वो ईजिली जो है वो उसको लिखते हुए हम इसको अंडरस्टेंड कर सकते हैं अब जो फर्स्ट जो पार्ट है प्लॉट का यहाँ पे कि जब जो बिल्कुल स्टार्ट है यानी जहाँ पे सेटिंग इंट्रोड्यूस होगी कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होगा इस फर्स्ट पार्ट को हम क्या कहते हैं एक्सपोजिशन कहते हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट इंट्रोड्यूस होता है स्टोरी के अंदर नावल के अंदर या प्ले के अंदर फिर आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होना शुरू होती है तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं राइजिंग एक्शन कहते हैं और ये यह यहाँ तक जाता है अनटिल द इंटेंसिटी इज मैक्सिमम और यहाँ जाके जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है थर्ड पार्ट पे इसको हम क्लाइमेक्स कहते हैं और उसके बाद इंटेंसिटी दोबारा जो है वो डिक्रीज शुरू होती है जिसको हम एक्शन कहते हैं नंबर पे और फिर एट एंड फिफ्थ नंबर पे क्या होगा रेजोल्यूशन या होगा तो अब आपने ये चीज यहाँ पे देखें डायग्राम से अगर आप इसको नोट करें तो ये है कि राइजिंग एक्शन जो है वो देखें ज्यादा लॉन्गर है उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है जबकि जो फॉलोइंग एक्शन है वो काफी जल्दी जल्दी हो रहा है देखें काफी वो इसका मतलब ये होता है कि जो राइजिंग एक्शन है यानी क्लाइमेक्स तक पहुंचने में किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले के अंदर तो क्लाइमेक्स तक पहुंचने में काफी टाइम लगता है आहिस्ता आिस्ता जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज होती है लेकिन यूजुअली जब ये रिजॉल्व होने लगता है एंड पे तो ये इसका फॉलोइंग एक्शन जो है वो काफी जल्दी जल्दी हो जाता है तो फॉलोइंग एक्शन में इतना टाइम नहीं लगता जितना कि राइजिंग एक्शन में टाइम लगता है तो ये प्लॉट डायग्राम ठीक है तो अब हम इनके जो प्लॉट के अभी हमने जो पार्ट्स थे उनको वैसे मैंने एक्सप्लेन तो कर दिया लेकिन अगर हम उनको फर्दर डिटेल से उनको डिफाइन करें और दोबारा से उसको मैं एक्सप्लेन करूँ तो इस तरह होगा तो फर्स्ट पार्ट क्या था प्लॉट का वो है एक्सपोजिशन एक्सपोजिशन बिल्कुल स्टार्ट है किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले का तो इस स्टार्ट में वहाँ पे सेटिंग इंट्रोड्यूस होगी और उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसा ऐसा अराइज होना शुरू होगा ओके So, exposition क्या है सो दिस यूजली अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ ए शॉर्ट स्टोरी नॉवल और अ प्ले हे आर द कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड वी ऑल्सो लर्न अबाउट द सेटिंग ऑफ द स्टोरी मोस्ट इंपॉर्टेंटली वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू द मेन कॉन्फ्लिक्ट और दिन प्रॉब्लम ओके तो एक्सपोजिशन के अंदर सेटिंग आ जाएगी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे ठीक है और साथ साथ क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो भी अराइज होने शुरू हो जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट का भी हमें पता चल जाएगा ओके? Okay? फिर इसके बाद है rising action. तो rising action again second, uh, element है plot का, second part है plot का. तो तो किसका का का। पे जिस तरह के पहले मैंने डिस्कस किया था कि जो कॉन्फ्लिक्ट उसकी इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होगी ओके सो दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी बिगेन्स टू डिप द कॉन्फ्लिक्ट तो कॉन्फ्लिक्ट एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स तो कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे डेवलप होना शुरू होते हैं यानी कॉन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होती है अ बिल्डिंग ऑफ इंटरेस्ट और सस्पेंस अकर्स तो आता आता क्या होना शुरू होता है स्टोरी नॉवल या प्ले है उसका वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जाता है एंड लीड्स टू द क्लाइमेक्स और फिर क्लाइमेक्स पे वो पहुंच जाता है कॉम्प्लिकेशन अराइज तो आता राइजिंग एक्शन में क्या होता है जो पेचीदगियां हैं प्रॉब्लम्स हैं कॉम्प्लीकेशन हैं वो बढ़ बढ़ना शुरू होती हैं बढ़ती हैं एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट टू इंक्रीज अब जो थर्ड और जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्लॉट का वो है क्लाइमेक्स जैसे कि पहले मैंने बात की थी क्लाइमेक्स इट इज द हाइस्ट पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज मैक्सिमम सो दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी और नॉवेल और अ प्ले तो यहाँ पे मैंने स्टोरी लिखा हुआ है लेकिन ये तमाम फिक्शंस के लिए ये बात जो वैलिड है यानी यहाँ पे स्टोरी नॉवेल या प्ले सब के लिए ये बात वैलिड है तो यूजली द मेन कैरेक्टर कम्स फेस टू फेस विद ए कॉन्फ्लिक्ट तो क्लाइमैक्स में क्या होता है अब जो मेन कैरेक्टर है वो जो हीरो hero है हीरोइन है तो वो प्रॉब्लम के बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं यानी प्रॉब्लम जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट हो जाती है द मेन कैरेक्टर विल चेंज इन सम वे अब मेन कैरेक्टर यहाँ पे कुछ हद तक चेंज हो सकता है क्योंकि एक फ्लेक्सिबल कैरेक्टर होता है सो दिस इज द मोस्ट इंटेंस मोमेंट ओके सो क्लाइमेक्स इज द मोस्ट इंटेंस मोमेंट इन अ स्टोरी नॉवेल और प्ले सो दिस इज द पॉइंट वेयर द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इज एट इट्स पीक तो यहां पे जो इंटेंसिटी है वो हाइएस्ट होगी पीक पे होगी एंड द फोर्थ एलिमेंट ऑफ प्लॉट इज फॉलोइंग एक्शन तो क्लाइमेक्स के बाद फॉलोइंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है कि जब इंटेंसिटी दोबारा से कि जब इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट होती है सो एक्शन दैट फॉलोज द क्लाइमेक्स एंड अल्टीमेटली लीड्स टू द रेजोल्यूशन तो ये फॉलोइंग एक्शन में आएगा हियर द इंटेंसिटी ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट टू डिक्रीज एंड द फिफ्थ पार्ट ऑफ अ प्लॉट इज रेजोल्यूशन और डेनोमो तो यहां पे क्या होता है डेनमोन जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है कि रिजॉल्व uh, हो जाना बेसिकली इसका मतलब होता है आउटकम किसी भी चीज का आउटपुट या आउटकम सो so यहां पे क्या होता है कि हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं स्टोरी नॉवल या प्ले के कंक्लूजन की तरफ जा रहे होते हैं द कंक्लूजन ऑल लूज एंड्स आर टाइड अप आइदर द कैरेक्टर डिफीट्स द प्रॉब्लम लर्न्स टू लिव विद्लम और द प्रॉब्लम डिफीट द करेक्टर तो यहाँ पे रेजोलूशन में क्या होता है एंड पे या तो जो मेन कैरेक्टर है वो प्रॉब्लम को दूर कर देता है उसको डिफीट कर देता है ओवरकम कर लेता है या फिर वो उस प्रॉब्लम के साथ जो है वो जिंदगी गुजारने सीख लेता है उसके साथ रहता है या फिर वो क्या करता है या फिर जो प्रॉब्लम है वो करेक्टर को मेन करेक्टर को डिफीट करती है बाद इसका जो एंडिंग है वो हैप्पी नहीं होता कोई उसका जो एंडिंग है वो सैड एंडिंग भी हो सकता है किसी स्टोरी नॉवल या प्ले का इट इज द फिनाले ऑफ द प्ले और स्टोरी इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि नहीं जो रेजोल्यूशन uh, है जो लास्ट पार्ट ऑफ प्लॉट है ये क्या होता है ये पूरी स्टोरी नॉवल या प्ले का फिनाले भी हो सकता है तो फाइनल पार्ट इसका हो सकता है तो ये था प्लॉट और उसके फाइव uh, जो है वो एलिमेंट्स तो अगर हम इन सारों को इकट्ठा लिखें पुटिंग इट ऑल टुगेदर तो कोई भी फिक्शन है स्टोरी नॉवल या प्ले है तो उसके बेसिकली क्या होगा उसको हम उसके प्लॉट को तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं ओके okay? जो फर्स्ट टू जो उसके जो पार्ट्स होंगे वो बेसिकली स्टोरी प्ले या योवल के बिगिनिंग से रिलेटेड होंगे एक्सपोजिशन और राइजिंग एक्शन जो है वो बिगिनिंग ऑफ स्टोरी प्ले या योवल से रिलेटेड होंगे और तो फिर जो क्लाइमेक्स है ये उसका सेंट्रल पार्ट होगा मिडिल पार्ट होगा किसी भी स्टोरी प्ले या नॉवल का और फिर फॉलोइंग एक्शन और रेजोल्यूशन जो है वो वो स्टोरी नोवेल या प्ले के जो है वो एंडिंग पार्ट में आएंगे तो ये उसका एंड पार्ट होगा इस तरह हम प्लॉट को पूरे फिक्शन के अंदर प्लॉट को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द फिक्शन एंड सेंट्रल पार्ट और मिडल पार्ट ऑफ द फिक्शन एंडल और दार्ट ऑफ द फिक्शन प्लॉट को अगर हम डायग्राम से दोबारा से लेखें पहले भी हमने डायग्राम देख ली थी तो प्लॉट का जो फर्स्ट जो स्टेज है ठीक है जहां पे सेटिंग और कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं सेटिंग होती है और कॉन्फ्लिक इंट्रोड्यूस होता है इसको हम कहते हैं इंट्रोडक्शन और एक्सपोजिशन उसके बाद जब इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होती है कॉन्फ्लिक्ट की तो उसको हम डेवलपमेंट या राइजिंग एक्शन कहते हैं और फिर जब इंटेंसिटी मैक्सिमम लेवल को पहुंच जाती है तो क्लाइमेक्स होता है और उसके बाद फिर जब इंटेंसिटी रिलीज होना शुरू होती है कॉन्फ्लिक्ट की तो उसको हम फॉलिंग एक्शन कहते हैं और एट एट द एंड जब प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व होने जाती है तो रेजोल्यूशन की तरफ जाती है इंटेंसिटी ख़त्म हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट की और प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है तो फाइनल पार्ट है उसका फिक्शन का तो उसको रेजोल्यूशन या डेनोमोन कहते हैं इस तरह हमने प्लॉट को काफी डिटेल के साथ जो वो डिस्कस कर लिया है नाउ वी कम टू द फोर्थ एलिमेंट ऑफ फिक्शन व्हिच इज कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह के अब हमने अभी प्लॉट में हमने बात की थी कॉन्फ्लिक्ट की कि ये वो प्रॉब्लम है जो कि अराइज होती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ द स्टोरी नोवेल और प्ले ओके तो ये इवन के प्लॉट की जब एक्सपोजिशन होती है इंट्रोडक्शन होता है प्लॉट स्टार्ट होता है तो वहीं से जो कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट होना शुरू होता है तो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली अबाउट वट इज द प्रॉब्लम इन द स्टोरी सो कॉन्फ्लिक्ट इज इज अ प्रॉब्लम देट मस्ट बी सॉल्व एन इश्यू बिटवीन द प्रोटैगनिस्ट एंड इंटेगनिस्ट फोर्सेस इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द प्लॉट देर इज नो प्लॉट विदाउट कॉन्फ्लिक नहीं होता तो इसी तरह किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बगैर कोई प्लॉट नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा स्टोरी में नॉवल में या प्ले में तो वो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली उस प्लॉट को डेवलप करता है तो कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रॉब्लम देर इज फेस्ड बाय दस और ये बिल्कुल बिगिनिंग से ही इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है ठीक है फिर हमने कहा था कि जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी इंटेंसिटी फिर आसा आस्ता बढ़ती है क्लाइमेक्स तक और क्लाइमेक्स में फिर इसकी इंटेंसिटी हाईएस्ट हो जाती है और उसके बाद फिर इसकी इंटेंसिटी दोबारा से कम होना शुरू हो जाती है और फिर रेजोल्यूशन में जाके जो कॉन्फ्लिक्ट है ये रिजॉल्व हो जाता है अब कॉन्फ्लिक्ट की भी टाइप्स होती हैं ठीक है ठीके? जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी ओके सो कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट की एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इज बेसिकली द स्ट्रगल बिटवीन प्रोटेगनिस्ट एंड सम अदर फोर्स आउट ऑफ हिज और हर बॉडी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो जहर मेन कैरेक्टर या प्रोटैगनिस्ट का किसी भी दूसरी ऐसी फोर्स के साथ उसका जो स्ट्रगल होगी प्रॉब्लम होगी जो उसकी बॉडी से बाहर है उससे बॉडी से, से हटके उसकी अपनी जात से हटके किसी दूसरे पर्सन के साथ किसी आउटसाइड चीज के साथ उसका जो प्रॉब्लम होगा उसको हम एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे जबकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है इट टेक्स प्लेस इन अ कैरेक्टर्स माइंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो किसी भी करेक्टर का अपनी मेंटल स्टेट के साथ ही उसका जो प्रॉब्लम होता है वो जिस मेंटल स्टेट uh, से गुजर रहा होता है ठीक है वहां पे कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होता है तो इस तरह के प्रॉब्लम को कॉन्फ्लिक्ट को हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं ठीक है जिस तरह के अगर हम प्ले प्रोग्रेस की बात करें तो क्या होता है वहां पे मिसेस मेल्डन जो है वो लीडिंग कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर है प्रोटेगनिस्ट है ठीक है तो पहले जब उसको पता चलता है कि उसका जो भाई है आ, आ, प्रोफेसर हैं कोरी है वो एक डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब बनाने जा रहा है तो स्टार्ट में उसका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है उसके भाई के साथ लेकिन जब वो अपने भाई को कन्विंस करती है कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो उस बॉम्ब को डिस्ट्रॉय कर दे ठीक है और अपने तमाम फार्मूलाज को डिस्ट्रॉय कर दे क्योंकि ये सारी चीजें जो है वो इंसानियत के लिए डिस्ट्रक्शन ले के आएंगी तो लेकिन जब वो उसको कन्विंस नहीं कर पाती ठीक है तो फिर वो एक मेंटल प्रॉब्लम uh, का शिकार होती है तो फिर क्या होता है वो इंटरनल जो है है वो फेस करती दिस इंटरनल लीड्स टू द मर्डर ऑफ प्रोफेसर कोरी बाय हिज सिस्टर मिसेस मेल्डन अब जो एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है अभी हमने देखा कि ये किसी भी uh, जो कैरेक्टर का यूजुअली मेन कैरेक्टर का उस कि इन बॉडी से हट के जो चीजें होंगी उनसे होगा एक्सटर्नल चीजों से होगा तो अब ये एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट भी कई तरह का हो सकता है कैरेक्टर वर्सेस कैरेक्टर किसी एक कैरेक्टर का किसी दूसरे कैरेक्टर के साथ हो सकता है जिस तरह के प्ले प्रोग्रेस में मिसेस मेलडन का प्रोफेसर हेनरी कोरी के साथ है अब कैरेक्टर वर्सेस नेचर किसी कैरेक्टर का नेचुरल फोर्सेस के साथ भी उसका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है यानी जब एक्सट्रीम वेदर है या और कोई नेचुरल फैक्टर है जो कि कॉन्फ्लिक्ट uh, है तो किसी भी कैरेक्टर का तो वो जब कोई करेक्टर किसी नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट को फेस करता है तो वो भी हो सकता है फिर एक कैरेक्टर वर्सेस सोसाइटी तो बाज का कोई जो कैरेक्टर है उसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होता है जो कि जिसको पूरी सोसाइटी अपोज कर रही होती है ठीक है तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट को ये भी एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है और दिस इज करेक्टर वर्सेस सोसाइटी और फिर एक फोर्थ टाइप ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट है वो है कैरेक्टर वर्सेज फेट बाज इंसान जब अपनी ही किस्मत के साथ मुकद्दर के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा होता है यानी उसकी किस्मत में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं डेस्टिनी में आ जाती है कि जिनको वो फेस कर रहा होता है तो ये कौन सा होगा कैरेक्टर वर्सेस फेट तो ये भी एक एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट होगा फिर हम आते हैं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जिस तरह के हमने कहा था कि जब कोई भी कैरेक्टर जो है वो अपनी मेंटल स्टेट एक मेंटल स्टेट के अंदर से गुजरेगा उसके mind में problems आएंगे वो उनको सोचेगा तो वो इंटरनल तो तो भी कैरेक्टर का अपने साथ ही उसका कॉन्फ्लिक्ट होता है ठीक है वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है उसका माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि वो एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन पे आ जाता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो उसको क्या करना चाहिए तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। नाउ फिफ्थ एलिमेंट ऑफ फिक्शन विच इज मूड तो नाम से जाहिर है तो मूड किस चीज के बारे में हाउ आई फील आफ्टर रीडिंग द स्टोरी जब स्टोरी नॉवेल, प्ले या ठीक है कोई मूवी है उसको देखने के बाद या किस स्टोरी को नॉवेल या प्ले को पढ़ने के बाद तो आप कैसा फील करते हैं वो जो फीलिंग है उसको हम क्या कहते हैं मूड कहते हैं सो मूड इज द फीलिंग दैट ऑथर ट्राइज टू कन्वे थ्रू आउट द स्टोरी द एटमॉस्फेयर और इमोशनल कंडीशन क्रिएटेड बाय द पीस विद इन द सेटिंग डज द ऑथर वॉन्ट द रीडर टू बी फ्राइटेंड और सैड और डज द स्टोरी मेक द रीडर लॉफ एंड थिंक हैप्पी थॉट्स Okay, तो ये ये जो क्वेश्चन है ये मूड के बारे में तो मूड क्या होता है ठीक है फीलिंग होती है जो कि फिक्शन uh, को रीड करने के बाद रीडर को जो फील होती है ठीक है तो अगर वो फ्राइटेंड फील करता है सैड फील करता है वो लाफ कर सकता है ठीक है वो हैप्पी थॉट्स uh, उसके माइंड में आ सकते हैं तो ये सारी चीजें जो है वो मूड से रिलेटेड है तो मूड को हम कैसे फिगर आउट कर सकते हैं तो फिगर आउट मूड मूड को हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्या मूड है किसी भी फिक्शन का एग्जामिन हाउ यू फील वाइल रीडिंग द स्टोरी इस चीज को आप देखें कि उसको रीड करते हुए आप कैसा फील करते हैं ऑफन मूड इज कन्वेड बाई द स्टोरी सेटिंग तो सेटिंग से भी मूड के बारे में पता चल जाता है नाउ द सिक्स एलिमेंट ऑफ फिक्शन विच इज पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि देखें जब फिक्शन uh, लिखा जाता है तो उस फिक्शन को जो लिखने वाला होता है ऑथर होता है राइटर होता है तो अब ठीक है या तो राइटर खुद उस स्टोरी uh, नॉवल या प्ले का एक पार्ट हो सकता है कोई एक करेक्टर में से कोई एक हो सकता है तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू और बाज का यह होता है कि जो राइटर है वो कोई भी एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो उस स्टोरी uh, नॉवल या प्ले का कोई हिस्सा नहीं होता वो बाहर से है कोई एक्सटर्नल वो पर्सन uh, है तो इसको हम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं तो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है अ कैरेक्टर फ्रॉम द स्टोरी इज टेलिंग द स्टोरी ठीक है यानी स्टोरी के अंदर से कोई कैरेक्टर ही आपको स्टोरी सुना रहा हो तो वो क्या यूज करेगा स्टोरी के लिखते हुए वो किस तरह के प्रोनाउंस यूज करेगा आई एंड मी या वी आई एंड मी इस तरह के जो वो प्रोनाउन यूज करेगा जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं ठीक है तो इस तरह इस तरह की स्टोरी का जो होगा उसको लिखने का जो मेथड होगा उसको हम कहेंगे फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो अब जो राइटर होगा ऑथर होगा ठीक है या इवन के किसी भी प्ले का जो प्ले राइट right होगा अगर वो उस प्ले के अंदर उस, वो कैरेक्टर है तो उस तरह के प्रोनाउन यूज करेगा तो इसको हम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू सो एन आउटसाइड नरेटर इज टेलिंग द स्टोरी तो बात स्टोरी नरेटर होता है स्टोरी बताने वाला होता है वो कोई भी ऐसा पर्सन होता है जो बिल्कुल बाहर से बता रहा होता है वो स्टोरी का हिस्सा नहीं होता और वो प्रोनाउंस जो यूज करता है वो थर्ड पर्सन प्रोनाम ही देता है इसको हम थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं स्टोरी टेलिंग का जो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है या वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है इस तरह अगर हम अगर आप स्टोरी की बात करें फ्रॉम मदर विद लव ठीक है उसमें जो जो राइटर है जो आई थिंक वो वो जो स्टोरी है वो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पर बेस्ड है इसी तरह जो प्ले प्रोग्रेस है वो भी थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू पे है अब जो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू होता है ये भी आगे टू टाइप्स का हो सकता है थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उसकी दो टाइप्स ही हैं थर्ड पर्सन लिमिटेड ओके हेयर दैरेटर नोज द था एंड फीलिंग्स ऑन ओनली वन कैरेक्टर इन अ स्टोरी तो जब किसी स्टोरी के अंदर जो अब कोई भी राइटर है तो वो किसी स्टोरी के अगर सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर की फीलिंग्स को थॉट्स को अगर वो जानता है तो उसको हम थर्ड पर्सन लिमिटेड कहते हैं और अगर जो नेरेटर है स्टोरी का वो उस स्टोरी के तमाम कैरेक्टर्स के फीलिंग्स और को अगर वो जानता है तो उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन ऑमिस आपको पता है कहते हैं ऑल को ठीक है तो जब कोई भी जो राइटर है डायरेक्टर है स्टोरी का वो स्टोरी के तमाम कैरेक्टर्स की फीलिंग्स और थॉट्स को अगर वो जानता है उससे फेमिलियर है तो इस, इस तरह इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम क्या कहेंगे थर्ड पर्सन ऑमनिसंट पॉइंट ऑफ व्यू और अगर वो स्टोरी के सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर के फीलिंग्स और थॉट्स को जानता है तो उसको हम कहेंगे थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ अब हम आते हैं सेवंथ एलिमेंट ऑफ फिक्शन पे विच इज थीम ओके सो थीम क्या बताती है हमें वट मैसेज आई गेट फ्रॉम द स्टोरी तो किसी भी स्टोरी नॉवल या प्ले को रीड करने के बाद वहां से हमें जो मैसेज मिलता है okay? जो राइटर या प्ले राइट जो प्ले का होता है वो हमें जो मैसेज देना चाह रहा है कन्वे कर रहा है उस मैसेज को हम क्या कहते है? हैं थीम कहते हैं द थीम इज द सेंट्रल जनरल मैसेज और द मेन आइडिया द कंट्रोलिंग टॉपिक अबाउट लाइफ और पीपल द ऑथर वॉन्ट्स टू गेट अक्रॉस थ्रू अ लिटरेरी वर्क Okay, तो थीम क्या है किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर यानी किसी भी फिक्शन के अंदर जो मैसेज है जनरल मैसेज है मेन आइडिया है जो कि राइटर uh, या प्ले राइट जो है वो हमें जो स्टोरी का जो राइटर है डायरेक्टर है या किसी भी प्ले का जो प्ले राइट है वो हमें जो मैसेज कन्वे करना चाहता है उस मैसेज को हम क्या कहते हैं थीम कहते हैं जिस तरह की अगर हम प्ले प्रोग्रेस की बात करें तो इसकी थीम क्या है इसकी जो थीम है वो है ह्यूमनिज्म है ओके okay? और ये बेस्ड है सो इट्स थीम इज़ दैट वी शुड हेट वॉर बिकॉज वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन फॉर ह्यूमन बींग्स सो वी शुड अवॉइड वी शुड हेट वॉर एंड वी शुड प्रोमोट लव एंड पीस सो इट्स थीम इज ह्यूमनिज्म

थिंक बिग वट बिग मैसेज इज द ऑथर ट्राइंग टू सेबाउट द वर्ल्ड इन विच वी लिव ओके तो किसी भी आ, स्टोरी का थीम निकालने के लिए आप क्या करेंगे आप उस स्टोरी को देखेंगे कि अब पूरी स्टोरी जो है वो हमें लाइफ के बारे में क्या लेसन जो है वो प्रोवाइड कर रही है तो जो भी लाइफ का लेसन जो है वहां से आप डिस्कवर करेंगे वो क्या होगा उस स्टोरी का क्या होगा थीम होगा सो वट इज द थीम ऑफ द प्ले प्रोग्रेस The play Progress has a universal theme. It is an anti war theme. It signifies that we should not favor war and weapons of mass destruction because it causes destruction to mankind on a large scale. We should spread the message of humanism instead of giving rise to the feelings of hatred. The writer believes that anything that is against humanity.

an object एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट दैट गिवस मोर मीनिंग देन इट्स लिटरल मीनिंग इज कॉल्ड अलग का यह होता है कि कोई एक कैरेक्टर ऐसा प्रेजेंट किया होता है वहां पर कोई प्लेस होती है या ऑब्जेक्ट होता है जिसका डेफिनेटली लिटरल मीनिंग और होता है लेकिन वहां पे वो अपने लिटरल मीनिंग से हट के उसका कोई मतलब जो है वो राइटर uh, जो है वो बताने की कोशिश करता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम शॉर्ट स्टोरी फ्रॉम मदर विद लव को देखें तो वहां पे जो ब्लू चेयर यूज की गई है जो कि एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट है लेकिन वो अपने लिटल मीनिंग से ज्यादा वहाँ पे वो मीनिंग दे रही है यानी वहां पे वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडिंग रोल के तौर पर वो आ, वो पेश की गई है ठीक है तो वो एक सिंबल है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को या लीडिंग रोल को सिंबलाइज़ कर रही है इसी तरह जो प्ले है प्रोग्रेस तो उसमें मिसेस मिल्डन का जो रोल है कैरेक्टर है वो सिंबलाइज कर रहा है पीस को तो पीस का एक सिंबल है सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ लेक्चर एंड आई होप दिस हैज हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड द एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन एंड टू अप्लाई देम टू एनी स्टोरी नॉवेल और प्ले सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफिज